अभी लगभग 9 बज रहे हैं और हम आए हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। जय श्री राम। मान कर रहे हैं की पौड़ी। ये देखो गाड़ी ले गया यार। अच्छा गाड़ी ले। हाँ सही आया। मन तो आया 2-3 दिन हो गया। एकर बस एक एकर ना तो इतना आगे क्या हम जाओ दे इन नहीं नालियो तो ये ना फेंक कार्तिक। एक और हेलो एक और एक और एक और तारी वीडियो कौन बनी एक और प्रदीप तारी वीडियो कौन बनी एक और हेलो कैसा एक्सपीरियंस। बहुत ही ज्यादा ठंड बहुत ही अच्छा वाह अच्छा ताई जम्मू के नीचे ताई अन्य बार भी ठीक ले ठीक अच्छा बहुत है बिन्ने ना पानी ना फटू दबा पानी ना करियो एक एक करो देख पानी ना दा पानी ना दा पर देखी और बच्चू इन्हें देखी मेहरबानी बस अब आ जाओ ऊपर आ जाओ। चालू है चल बस लाग गई के बच गए हरिद्वार में नान कर लियो सागे तो मैं नान कर लियो सागे माऊ ने भी नान करवा दियो पर जिद करे पानी में जाऊंगी पर जिद करेगा मैं पानी में जाऊंगा वो रोन लाग रही है ठीक है अब अपने दर धर्मशाला की कैंटीन में 80 रुपए थाली है आपको बताएं कि ये भी खाना कैसा है। तकड़ी भूख लग रही है बहुत तकड़ी भूख लग रही है। ये लौकी की सब्जी है ये तो ठीक है थोड़ी मिर्च ज्यादा है इसमें हरी मिर्च ज्यादा है भूख लग रही है लौकी की सब्जी में हरी मिर्च ज्यादा मिर्च तेज है भैया कह रहे सही है नमक नमक ले आ दे यार ज्यादा गंद हो रहा है। और अब अपने कड्डी टेस्ट करते हैं कड्डी ठीक है बढ़िया। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं
कार्तिक खड़ा हो गया, प्रदीप खड़ा हुआ है, पंची भी खड़े हो गए। सारे तैयार हो गए भाई, दूसरे वाली चाह भी आ गई है, परसों भी तैयार हो गया है। परसों बहुत रो के फिर तैयार हुआ है भाई। परसों चलना मंदिर के, आ जा मंदिर, मंदिर मंदिर जा सके तो हरिद्वार में है दूसरा दिन, और अभी हमें हरिद्वार में मंदिर और देखने जा रहे हैं। पहले जा रहे हैं मनसा माता मंदिर, और वहाँ वो पालकी वाला अपने ऊपर जाते हैं ना, वो रेट पूछेंगे क्या रेट है, तो वो मंदिर देख के आएंगे। यहाँ पे भीड़ बहुत है भाई, अभी टिकट का पता करते हैं रोपवे का। ये रोप वे की भाई लाइन देखो बहुत लंबी है, टिकट टिकट की वो देखो वहाँ तक। तो भाई वहाँ पे तो भीड़ बहुत है, तो रोप वे वाला प्रोग्राम तो है कैंसिल, ठीक है, टाइम बहुत लग जाएगा यहाँ पे। अपने देखते हैं दूसरे मंदिर में चलते हैं घूमने। तो भाई ये टेम्पो की है, ये अपने 6 बंदों के रुपए देंगे 1100 रुपए, और 1200 1250 मांगे थे, 200 रुपए एक सवारी के। कितने मंदिर दिखाएंगे ये? 7 मंदिर, 6 या 7 मंदिर दिखाएंगे, ठीक है। बात माता मंदिर और अलग अलग इन्होंने बताया था। कल तो छोटे वाला टेम्पो था, उसमें बहुत ही अरे मिल जाओ भाई, मसूरी जाएंगे तब माऊ कह रही है भी वहाँ पे तो होता है ना उड़ने वाला, उसमें उड़ाएंगे पैराग्लाइडिंग में माऊ को उड़ाएंगे, ठीक है माऊ के माऊ ये देखो पवन धाम शीश महल आ गया। यहाँ पे मेरे को लगता है भाई कांच का मंदिर है क्या, है कटे परसू परसुना मंदिर चाल, मंदिर चाल बाज 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 की चाल ठीक है भाई। ये मंदिर आपको दिखा दिया, अब अपने अगले मंदिर में मिलेंगे, ठीक है, अपने दर्शन कर लेते हैं। ये देखो भाई ये ऐसी स्मेल, ये
ये देखो आपको लगेगा ही नहीं भी कांच में वीडियो बन रही है, ठीक है। ये देखो प्रदीप ऐसे लग रहा है सामने खड़ा है, पर ये प्रदीप तो यहाँ पे, ये देखो टेम्पल नहीं था, इंडिया टेम्पल है ये, इंडिया टेम्पल है। ये भाई गैलरियां बनाई हुई है, ये देखो, ये देखो, ये पांच मंदिर है जिनके दर्शन करवाएंगे, और भैया कह रहे हैं कि अपनी तरफ से दो मंदिर और दिखाएंगे। एक मंदिर ये दिखा दिया मैंने, एक मंदिर और राम वो दिखाऊंगा आपको, साईं मंदिर। अच्छा इसके वो भी दिखा के लाऊंगा, और बस इन पांच ये दिखा रहा हूँ, एक साईं मंदिर भी दिखा के लाऊंगा उसका, ठीक है। इनके अलावा एक तो साईं मंदिर एक्स्ट्रा दिखाएंगे, और एक मंदिर ये है राम मंदिर। राम मंदिर गलत नहीं आपको, बढ़िया। मेरे को गाड़ी ले जाने में वहाँ आसानी रहेगी क्योंकि रास्ते बंद हो जाएंगे, आप हो गया हो जाओ, आपको गलत नहीं दिखाएंगे आप। ठीक है, वीडियो अपने थोड़ी थोड़ी दिखाएंगे, बड़े बड़े सिर ऊपर से मंदिर दिखा देंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मेन तो क्या है, अपने आप भी हरिद्वार में घूमने आओ ना, तो भाई ये आपको लिस्ट मैंने दिखा दी है, तो इसके हिसाब से आप टेम्पो करके अलग अलग सारे मंदिर देख सकते हो इकट्ठे ही, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता हमको, आधा घंटा हुआ है लगभग, शायद आधा घंटा ही नहीं, दस मिनट लगे थे एक मंदिर देखने में, और तीसरा मंदिर अब ये है ही, ठीक है। टेम्पो वाला भैया कह रहा है भी आपको, चलो आप इस हिसाब से देख रहे हो तो दो एक्स्ट्रा दिखा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा अपने टाइम लगा नहीं रहे। रोप वे भी दिखाएंगे, और रोप वे में अपने गए थे वहाँ पे कितनी भीड़ थी टिकट पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मैं आपको वो दूसरा काउंटर बताऊंगा जहाँ से सीधा ही आपके आधे घंटे में आप दर्शन करके आ जाओगे, ठीक है। वो काउंटर उसके पास छोड़ देंगे, वहाँ से आप टिकट करवा लेना, वहाँ पर भीड़ नहीं होती। ये मंदिर देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है बना हुआ, ये देखो हाइट पे वैसे नहीं, इसकी छत की हाइट बहुत है, ऊपर खुला है, पूरा खुला मंदिर है। ये देखो माऊ सबसे कुर्तिल हैं, सबसे पहले टेम्पो में दो मिनट हो गए वहाँ पे खड़े हुए। चित्रकूट मंदिर है भैया, बानर ले, ये देखो फोटो है, ये अपने भाई फोटो क्या मूर्ति है, 22-22 फुट है दोनों, हनुमान जी की और शिव जी की। ठीक है, अभी हम घूमने जाएंगे तो वीडियो में बने रहना, और आप देखना कौन कौन से मंदिर देख रहे हैं। आप भी अगर घूमने आओ तो ध्यान रखना भी, इन मंदिरों में घूमना है, हरिद्वार में कौन कौन से मंदिर है घूमने वाले। कौन जाऊँ परसों मैं, थे जाओ परसों लेने आए वापिस का वापस, कौन जाऊँ मैं बेटा, थे जाओ हैं, थे जाओ मैं कौन जाऊँ, हटी रहूँगा, थे जाओ मैं कौन जाऊँ। चलो चल कद ऊपर तक, हाँ मैं चढ़ू क्या पहला, मन्ने का पहला थे चढ़ू रे जुगा चिंता धक्का दे ना, ये भाई ये वैष्णो देवी मंदिर है, ये चौथा मंदिर। ये भी काफी बड़ा है मंदिर, वीडियो एकता के साथ वीडियो कॉल चल रही है। बुखार कौन के भाई जी को सिर फूट गया, और नीचे जगह है भाई, बहुत ऊपर लेके आए ये, साथ एक मंजिल ऊपर ले आई है, देखो
सारा बैठ बैठ रहेगी तिसल जा ऊपर बैठे हूँ चढ़ जाए नीचे जानते बाकी स्लाइड सा नीचे बैठे डर देखो गुफा गुफा में से जाना पड़ेगा अपने को पहले तो माउस आ रही है बैठो ना अडिक आ गए बस चलो 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 यहां सारा खिंचा लाग दी सी खिंचा लाग गया से दो भीड़ लाग दी लाग भाई जी फोटो खींच रहे थे पीछे भीड़ लगा दी दिखाना चलो पे मोय मोय हो गया रास्ते में बीच में फोटो ना लाग दी ये किसान पानी पानी है नीचे मैं तो नीचे बैठे बैठे जाऊं यहाँ पे एसी भी लगी हुई है गुफा में एसी लगा रखी है हवा ठंडी ठंडी हवा आ रही है जाली साफ करने वाली ऊपर से जाली साफ करने वाली है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा अपने आ गया भारत माता मंदिर ये देखो इसमें ऊपर जाने के लिए लिफ्ट है और नीचे आते हैं तब सीढ़ियों से आना पड़ता है परसों भाई पैसे ले ले दान पात्र में डाल ले रहे हैं प्रत्येक मंदिर में ठीक है पैसे खत्म हो चुके हैं और ये फिर भी रो रो के ले रहा है कि मेरे को पैसे दो नहीं देते तो रोने लग जाता है ये ठीक है अब की बार तो प्रदीप ने दिए हैं 10 रुपये अरे वाह ये देखो भाई ऊपर से ये अपने 7 मंजिला है लगभग भारत माता मंदिर और कार्तिक है भूख लाग रही है कि ना भाई मन तो लाग रही है यार 12 मिनट में घूम जाऊं पहले तो हां के एक काम कर अभी ना पर ऑटो वाले सगे खोले फसागे चला मैं और के तो ऑटो वाले सगे खाना खवा लिया मैंने के आप खाना खा जाओ नहीं तो ऑटो वाले रुक गए उठ जाएगा हां मैंने ऑटो ऑटो वाले को कह देंगे बढ़िया सी होटल में या अपने खाना खिलाते साथ में उसको भी खिला देंगे मैं तो किसी रोटी खाऊंगा मैं लिखवा लेता हूं अपने को तो पता नहीं है यहां पे कौन से अच्छे हैं होटल कौन से अच्छे नहीं है ये देखो बच्चे ने दिमाग लगाया भाई 7 मंजिला नीचे जाना है सीधा और बैग इसके ऊपर रख के रेलिंग के फिर लेके जा रहे हैं और इसे आगे तो जा रहे थे वो टांग के जा रहे थे बैग पीछे पूरा बाहर ये भाई लास्ट मंदिर है साईं मंदिर ठीक है भाई अपना खाना खाएंगे और फिर जाएंगे अपने धर्मशाला अपने आ रहे हैं खाना खाने के लिए होटल का नाम है सूरत श्री वैष्णो दाल ले लो वहाँ सब्जी ले लो तो भाई अभी हम आ गए हैं धर्मशाला जाट धर्मशाला खाना खा लिया खाना बहुत अच्छा था ठीक है अगर आपको भी यहाँ पे हरिद्वार में ठीक है खाना खाना हो तो
अपने है जाट धर्मशाला के राइट में चलते ना थोड़ा बहुत और चलते हैं तो आता है अमृत श्री वैष्णो होटल, उसमें साथ में तो बहुत ही अच्छी सफाई है और खाना भी अच्छा और प्राइस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्योंकि कल हमने तो यहाँ पे धर्मशाला में खाया था जाट धर्मशाला में, वो तो बिल्कुल ना तो इतनी सफाई थी, ठीक है, और इतना अच्छा नहीं सस्ता भी है साथ में, ठीक है। परसों कार्तिकेय और उसका बाबा उसके बाबा साथ में खेल रहे हैं, इधर दादी राम बात कर रहे हैं। घर से फोन आया हुआ है मम्मी और पापा का, वीडियो कॉल आई हुई है। ले परसों परसों बात कर ले यार, बात कर ले। दादा दिखा दे, आ ले हो गए मैं, आ ले हो और जो दादा ने कहते रोटी खा ली बढ़िया, वो रोटी कहते रोटी रोटी खा ली कहते तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। आज हम अभी तो दोपहर के लगभग 11 बज रहे हैं, शाम को जाएंगे ऋषिकेश आराम करके।